हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है, ठीक आपके मेंस एग्जाम के पहले और उसी से रिलेटेड। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके काम की जो भी चीज है वो आपसे मिस ना होने पाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय खराब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आप सबको पता है। वहां पर 24 फरवरी को ये इम्पोर्टेंट नोटिस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 Tier 2, इस पीडीएफ को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, सीधी सी बात करूंगा कि क्या बताया गया है। यहाँ पर बात की गई कि आपका एग्जाम कैसे कैसे, कौन सी शिफ्ट में और किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। और इस बार तो पैटर्न चेंज हुआ है ना। वहां पर जाने के बाद अगर अचानक कुछ भी आपके सामने आएगा तो फिर आप प्रेशर में आ सकते हैं, इसीलिए 2 मिनट देकर वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम डेट आपकी ध्यान से देखिएगा, 2 3 6 7, ठीक है भाई, 2 3 6 7, इसमें 4 और 5 नहीं है। तो 4 मार्च का नंबर यहां पर आ गया, यानी कि 4 बाद में आएगा, 5 को क्या है, छुट्टी है, 5 को कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा पेपर होगा, पेपर 1, इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। शिफ्ट 1 9 AM से 11:15 AM तक चलेगा, 9 AM से 11:15, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है, ये आपके पास दिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन एंड 15 मिनट फॉर मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, क्या मतलब है इसका, आइए जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 1 घंटे में आपका सेक्शन 1 होगा, यानी कि मैथ और रीजनिंग होगा, दूसरे घंटे में आपका सेक्शन होगा जीके का और इंग्लिश का, और तीसरा जो आपको दिखाई पड़ रहा है 15 मिनट का, वो होगा कंप्यूटर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपके हैं और इन सभी के एग्जाम आपके 2 3 6 7 तारीख में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पेपर 1 मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 शिफ्ट 2, 2 से 2:40 PM, ये आपका क्या होगा, ये आपका टाइपिंग होगा, यानी कि सब कुछ एक ही दिन होना है, जैसा कि आपको पहले से बात बता भी थी, और किस किस तरीके से होगी ये भी जान लीजिए, ठीक है। 9 से 11:15 तक चलेगा और फिर 2 से 2:40 तक, ठीक है। अब ये 4 मार्च वाला क्या है, 4 मार्च को पेपर 2, पेपर 3, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 9 से 11, 2 से 2:40, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये उनके लिए है जिनका नाम लिस्ट 1 लिस्ट 2 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो ये वाला भी देंगे और ये वाला भी देंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि एओ जीएसओ, जो लोग इसको क्वालिफाई किए होंगे वो 2 3 6 7 वाला तो देंगे ही, उसके साथ 4 वाला भी देंगे, आपको मालूम है, ठीक है। 2 आवर फॉर ईच पेपर आप जानते हैं, तो ये जो 4 मार्च है ये उनके लिए है, अन्यथा सभी के लिए जो कॉमन डेट है वो 2 3 6 7 है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है एसएससी की तरफ से, इसे ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए, क्योंकि ये आपको मालूम है कि आप किस सेक्शन में कितना अच्छा कर सकते हैं और कहाँ से नंबर उठा सकते हैं। सेक्शनल मामला है, 1 घंटे के बाद ही आपका दूसरा पेपर ओपन होगा, ना आप प्रीवियस जा सकते हैं ना नेक्स्ट जा सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी और वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।